हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गूगल स्टडी। आपका डिफरेंशिएशन पार्ट टू में स्वागत है। जो मैं आज क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो इंडियन एयरफोर्स, नेवी एंड एनडीए के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर करें, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ वाई इज इक्वल टू लॉग सीकेंट ऑफ ई रेज टू पावर एक्स के, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है y का, तो हमें फंक्शन दिया हुआ है, तो हमारे पास है dy वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। तो x हमारे पास ये टर्म है 1 अपॉन सीकेंट ई एक्स स्क्र, और सीकेंट x का जो अगेन होगा सीकेंट e रेज टू पावर एक्स स्क्र, वो सीकेंट x का होता है सीकेंट x इंटू टेन एक्स, ठीक है। और जो e रेज टू पावर एक्स स्क्र है उसका अगेन करेंगे तो उसका e रेज टू पावर एक्स स्क्र इंटू टू एक्स, ठीक है, ये हुआ है। और सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, और सीकेंट एक्स से सीकेंट एक्स कैंसिल आउट, और इज इक्वल टू टेन ई रेज टू पावर एक्स स्क्र इंटू टू एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्र, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज आवर करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर टू, इफ सीकेंट एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमारे पास सीकेंट एक्स प्लस वाई अपॉन सीकेंट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए, हम जब सीकेंट को पहली तरफ ले जाएंगे तो सीकेंट इनवर्स ए हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यू अपॉन वी वाला फार्मूला लगाएंगे और इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। और यू अपॉन वी वाला फार्मूला लगाया तो हमारे पास यह है, इसमें होता है डिफरेंशिएशन ऑफ यू वी एज इट इज़ माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ वी यू एट इज एज इट इज़, ठीक है, हो गया, अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये पहली तरफ हम जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो हमारा सेकंड पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर थ्री, अब हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू। तो डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, टेन इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, वन माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, और वन प्लस कॉस एक्स होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू के इक्वल, ठीक है। टू से टू कैंसिल आउट, यह आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और स्क्वायर से वन बाई टू है, ठीक है, रूट है तो कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स बाई टू, तो टेन इनवर्स टेन टेन हमारे पास बच जाएगा एक्स बाई टू ओनली, ठीक है। तो एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा वन बाई टू, ठीक है। तो हमारा फोर्थ पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ पार्ट इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, लिखा है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो हम जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स का, तो ई रेज टू पावर एक्स का पता है आपको ई रेज टू पावर एक्स इंटू अगेन एक्स, ठीक है, हो गया। तो ये हो गया ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गया ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब हमको जो हमारा पहला फंक्शन है दूसरे फंक्शन डिवाइड करेंगे तो हमारा फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर से रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, इज इक्वल आ गया ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स, और इसका सेकेंड पार्ट करेक्ट है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ़ वाई इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स माइनस वन रूट ऑफ एक्स प्लस वन, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू। वाई आगे हमारे पास दिया हुआ है सीकेंट इनवर्स रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस रूट साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स माइनस वन रूट ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। सीकेंट किसका उल्टा होता है कॉस का, ठीक है, कॉस एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन सीकेंट एक्स, ठीक है। तो हम और जब इसको वन अपॉन करेंगे, ठीक है, तो ये रूट ऑफ एक्स माइनस वन ऊपर चला जाएगा और रूट ऑफ एक्स प्लस वन नीचे, तो कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स यहाँ पे एक्स नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ये एक्स नहीं होगा, ठीक है, हो गया। तो कॉस इनवर्स ये पूरी टर्म एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स होता है पाई बाई टू के इक्वल, ठीक है। तो वाई हमारे पास आ गया पाई बाई टू, जब हम पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा जीरो के इक्वल, ठीक है। तुम्हारा इस पार्ट में फर्स्ट पार्ट आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर बाकी आपको किसी क्वेश्चन का पता नहीं लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।